राजनाथ, गडकरी, वसुंधरा, आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं के मन की बातें भी अब आपको सुनने को मिल सकती हैं। अब की बार बन रही है लंगड़ी सरकार। जनता के इस निर्णय ने दिखा दिया है कि हम भारत के लोग आपसी बैर नहीं, मिलजुल कर साथ रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। का बरसा जब कृषि सुखानी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आजादी के बाद इस देश में जितने प्रधानमंत्री बने, सबने देश को कुछ ना कुछ दिया। मोदी जी ने भी दिया, मानता हूं, पर किसी प्रधानमंत्री ने खुले आम मंच से किसी वर्ग संप्रदाय का विरोध नहीं किया। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। किस घर में आपसी मनमुटाव नहीं होता? हमारे देश में भी आपसी संघर्ष रहता है, पर खुलेआम वोट के लिए किसी विशेष धर्म के बारे में टिप्पणी करना कितना उचित है आप भी समझते होंगे। भाजपा आज बहुमत से दूर है और लंगड़ी सरकार बनाने जा रही है। स्थिर सरकार का ज्ञान देने वाले आज खुद बैसाखी के सहारे सरकार बनाकर क्या अब भरे मंच से वो बातें कर पाएंगे? जागो हिंदू जागो का नारा देने वालों पर बड़ा सवाल है ये। कल ही घटक दलों की मीटिंग में जिस रंग के वस्त्र में मोदी दिखे, उससे तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी कमियों का एहसास हो चुका है। अगर ऐसा है तो फिर यह कहावत यहां पर फिट बैठती है कि नहीं, मतलब का बरसा जब कृषि सुखानी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जल्दी ही मध्यावध चुनाव के लिए जनता को तैयार रहना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अल्पमत में रहकर कांग्रेस के अलावा और कोई गठबंधन 5 वर्ष तक सत्ता नहीं चला पाया है। उसका मुख्य कारण देश का संविधान, क्योंकि हम अनेकता में एकता के सिद्धांतों वाले देश के नागरिक हैं। क्या अब जिस तरह से दूसरे धर्मों पर हम उंगली उठाते हैं उठा पाएंगे? नहीं। अगर एक उंगली भी संविधान के खिलाफ उठी तो मोदी जी का झोला उठ जाएगा, यानी सरकार धड़ाम। आप जानते हैं आगे क्या होगा? आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की घोषणा करके ही सत्ता पर काबिज हुए हैं। राष्ट्र पार्टी में अंडगा उंटुंदी प्रति ఒక కార్యకర్త కామే ఇస్తున్నా మీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం ఇచ్చి కాపాడుకుంటాను తప్ప ఎక్కడ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడనేను। और मोदी मंच से कह चुके हैं कि माइनॉरिटी का आरक्षण बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में नायडू से टकराव निश्चित है। वहीं चिराग पासवान ज्यादा आरक्षण की बात कर 5 सीट लेकर बड़े मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पिता रेल मंत्री बनने के बाद ही देश में दलितों के नामी नेता बने थे। अगर रेल मंत्रालय भाजपा से छूटा तो सोचिए क्या होगा। रामविलास पासवानी की कहानी याद करिए। बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60 राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे नकाम। अब बात करते हैं नीतीश की। नीतीश ने तो 2012 में ही मोदी का विरोध कर दिया था जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया गया था। एक भव्य स्मारक बनाने की हमारी इच्छा है। अपने लौह पुरुष को इस प्रकार से छोड़ दिया और देश भर में लोहा मार दिया। उनका सपना स्वयं प्रधानमंत्री बनने का है, इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी जल्दी से शपथ लें, फिर हम चालू करें खेला। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही वे मोदी सरकार को मन ही मन गिराने का मन भी बना चुके हैं। तब आगे क्या होगा ये भी जानिए। अब तक भाजपा के जो सांसद डरे सहमे रहते थे, वो भी इस बार अपने को सांसद मानकर जनता के मुद्दे पर बोलेंगे। यानी अभी तक जिन्हें चुप रखा गया था, उनकी आवाज भी अब आपको सुनने को मिलेगी। संगठन में भी जल्द ही बदलाव होगा, क्योंकि नड्डा के कार्यकाल में ही भाजपा बहुमत से दूर हुई है। राजनाथ, गडकरी, वसुंधरा, आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं के मन की बातें भी अब आपको सुनने को मिल सकती हैं। मतलब अब मोदी शाह की सरकार नहीं बन रही है, यह बात साफ है। अब की बार बन रही है लंगड़ी सरकार, जिसे संवैधानिक रूप से चलाना मोदी की मजबूरी होगी। जनता के इस निर्णय ने दिखा दिया है कि हम भारत के लोग आपसी बैर नहीं, मिलजुल कर साथ रहना चाहते हैं। आपने गीता का यह श्लोक तो बस सुना होगा,
संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात एकता में ताकत होगी। पर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि देश की अखंडता पर आंच आए ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से कौरवों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वैसा दुरुपयोग भी शक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और भगवान श्री कृष्ण ने नई शक्ति पांडवों के रूप में विकसित कर जनता का मार्ग प्रशस्त किया था। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।